फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक की सेकेंड वाइफ कृतिका मलिक लेटेस्ट व्लॉग में रोती हुई नजर आई हैं। कृतिका मलिक ने फैंस के साथ इस बात को शेयर किया है कि उनके चाचा जी की डेथ हो गई है। वो अपने चाचा जी को बिल्कुल अपने पापा जैसा मानती थी। कृतिका मलिक की जिंदगी में ये दूसरा बड़ा हादसा है जिसके बाद कृतिका टूटी हुई नजर आई हैं। कृतिका मलिक ने हाल ही में ब्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो लोग धीरज का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी फैमिली से बुरी खबर सामने आ गई। कृतिका ने रोते हुए फैंस को बताया कि उनके चाचा जी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हाल ही में कृतिका मलिक जैद को लेकर अपने घर भी गई थी और वहाँ पर उनके चाचा जी से भी मिली थी। उन्होंने बताया कि जो चाचा जी कभी हंसते नहीं थे, जैद को देखने के बाद वो हंसे भी और उन्होंने कृतिका के सर पर हाथ भी रखा। कृतिका रोते हुए इस व्लॉग में बताती हुई नजर आ रही हैं कि उन्होंने एक साल के अंदर अपने दो करीबियों को खो दिया है। कृतिका ने बताया कि पहले उनकी दादी की डेथ हुई और उसके बाद उनके चाचा जी की डेथ हुई। वहीं पायल मलिक भी काफी इमोशनल नजर आई और उन्होंने फैंस को बताया कि ये टाइम उनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। बच्चों की वजह से कृतिका, पायल दोनों चाचा जी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए, लेकिन अरमान मलिक वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे कृतिका के चाचा जी और कृतिका अपने चाचा जी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। पायल की तबीयत खराब होने की वजह से कृतिका पायल और बच्चों को छोड़कर अपने चाचा जी के अंतिम संस्कार में नहीं गई। इस ब्लॉग में कृतिका मलिक काफी परेशान नजर आई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेलिब्रेशन के माहौल में उन्हें ये बड़ी बुरी खबर मिली। उनके घर वालों ने उन्हें रात 8 बजे कॉल किया और बताया कि लंबे टाइम से बीमार उनके चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कृतिका कई बार अपने चाचा जी के बारे में भी व्लॉग में बताती हुई नजर आई थी। कृतिका ने बताया था कि उनके चाचा जी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन लंबी बीमारी से लड़ने के बाद कल कृतिका के चाचा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरमान मलिक पायल कृतिका को छोड़कर अंतिम संस्कार में गए और वहीं से उन्होंने बताया कि किस तरीके से चाचा जी की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। प्रेगनेंसी के बाद से ही कृतिका मलिक अपने परिवार से नहीं मिल पाई थी क्योंकि में डॉक्टर ने उन्हें मना किया था ट्रैवल करने के लिए, लेकिन डिलीवरी के बाद कृतिका मलिक बेटे जैद को लेकर हाल ही में अपनी फैमिली के पास गई थी जहां से उन्होंने कई सारी पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया था। अब कृतिका मलिक ने फैंस के साथ शेयर किया है कि उनके चाचा जी जिन्हें वो पापा जैसा मानती थी इस दुनिया में नहीं रही और इस टाइम पर पायल मलिक कृतिका को संभालती हुई नजर आई है। उन्होंने बताया है कि कृतिका ने किस तरीके से संभाला है अपने आप को, ये हम जानते हैं। लगातार व्लॉग्स के जरिए फैंस को अपने घर की हर एक बड़ी अपडेट देने वाली अरमान मलिक की फैमिली हमेशा फैंस की फेवरेट रही है। लोग कृतिका मलिक के व्लॉग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कृतिका मलिक ने जब इस बुरी खबर को फैंस के साथ शेयर किया तो सभी लोगों ने कमेंट कर कृतिका को दिलासा देने की कोशिश की। वहीं कृतिका के लिए कई सारे कमेंट भी किए गए। कृतिका कई बार अपने व्लॉग्स में अपने चाचा जी के बारे में बात करती नजर आई और इस बार भी जब उन्होंने चाचा जी की डेथ की खबर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोग उन्हें दिलासा देते नजर आए, चाचा जी को श्रद्धांजलि देते भी नजर आए। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।